क्या आप इमेजिन कर सकते हो 13वीं शताब्दी में बना हुआ एक ऐसा मंदिर जिसमें लगा हुआ एक ऐसा भव्य मैग्नेट जो समुद्र में चल रहे पानी के जहाजों के कंपास को और जहाजों पर लगे हुए कीलों को हिलाकर रख देते हो, इस हद तक कि जहाज का एक्सीडेंट हो जाए। इस वीडियो को बनाने से पहले मैं सोच रहा था कि वीडियो का टाइटल मैं रखूंगा कि क्या प्राचीन भारतीयों को मैग्नेटिज्म यानी चुंबकीय शक्ति के बारे में पता था, पर इस विषय में मैं जैसे जैसे रिसर्च करता गया मुझे ऐसे ऐसे रहस्यमय और एडवांस्ड इन्फॉर्मेशन मिलने लगी कि एंशियंट इंडिया को मैं मैग्नेटिज्म का मास्टर कहने से खुद को रोक नहीं पाया। मैग्नेटिज्म प्राचीन भारत में कितने एडवांस्ड लेवल पर यूज किया जाता था ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। मैं हूँ राजेश मजुमदार और इंडियन ट्रेजरी ऑफ विजडम पे आपका स्वागत करता हूँ, जहाँ हम चलेंगे स्क्रिप्चर्स के सेगमेंट में और पता लगाएंगे कि स्क्रिप्चर्स में क्या छुपा हुआ है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए और हमारे नए वीडियो अपडेट्स मिलने के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। मैग्नेट्स यानी चुंबक को हम आज रोजमर्रा की जिंदगी में काफी यूज करते हैं, जैसे फ्रिज मैग्नेट्स, मैग्नेटिक स्क्रूज, मैग्नेटिक चेसबोर्ड इत्यादि, और इनका इलेक्ट्रॉनिक्स में और ऑटोमोबाइल्स में और बड़े बड़े एप्लीकेशंस जैसे क्रेन्स में भी काफी उपयोग होता है। मैग्नेट की शक्ति होती है कि वो लोहे के किसी भी वस्तु से चिपक जाता है, और इस खास शक्ति से इंस्पायर होकर आपने अपने लाइफ में कभी ना कभी ये जरूर जानने की कोशिश की होगी कि मैग्नेट्स को किसने ढूंढ कर निकाला। पर जब आप गूगल करते हो डिस्कवरी ऑफ मैग्नेटिज्म के बारे में तो आपको अब्रप्टली ये बताया जाता है कि एक शेफर्ड हुआ करता था एंशियंट ग्रीस में जिसका नाम मैग्नस था, और उसने सबसे पहले एक पत्थर को पहचाना जो लोहे से चिपकता था। 16वीं शताब्दी के इंग्लिश रिसर्चर विलियम गिलबर्ट और बहुत सारे 18वीं और 19वीं शताब्दी के लोगों को मैग्नेट्स पर रिसर्च करने का श्रेय दिया जाता है। यहाँ तक कि कुछ कुछ वेबसाइट चाइना तक का नाम उल्लेख करते हैं चुंबक के डिस्कवरी को लेकर, पर भारत का नाम बिल्कुल नहीं मेंशन करते। हालांकि सच्चाई कुछ और ही है। भारत ना ही सिर्फ दुनिया में बहुत ज्यादा प्राचीन काल से मैग्नेटिज्म को जानता था, बल्कि इस हद तक उसको यूज करता था कि हम सोच भी नहीं सकते। भारत के सबसे पुराने ग्रंथ जो कई हजार साल पुराने माने जाते हैं, जो हमारे वेद है, इनमें हमें मैग्नेटिज्म के यूज का पता चलता है। और ये सिर्फ उल्लेखित नहीं है, ये साइंटिफिकली यूज करने के बारे में हमें डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिलता है। जैसे अथर्ववेद, जिसे एक कंपाइलेशन माना जाता है 900 BC का, इस ग्रंथ में हमें अलग अलग रोगों का उल्लेख मिलता है और उनके उपचार के बारे में बताया गया है। इन उपचारों में एक्सेसिव ब्लीडिंग को रोकने के लिए अलग अलग प्रकार के सैंड्स एंड स्टोन्स का उल्लेख मिलता है। ये जो कॉम्पोजिट सैंड का उल्लेख मिलता है और जो स्टोन के बारे में बोला गया है वो और कुछ नहीं बल्कि मैग्नेटिक मटेरियल ही है। आज के मॉडर्न साइंटिस्ट भी इसी तरह के मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल्स को यूज कर रहे हैं इंटरनल ब्लीडिंग को रोकने के लिए, जिस पर रिसर्च चल रही है। इस वाले आर्टिकल में आप देख सकते हो कि कैसे साइंटिस्ट्स आज रिसर्च कर रहे हैं मैग्नेटिज्म को यूज करके ब्लड फ्लो को कंट्रोल करने के लिए। ये तो बात हुई सबसे पुराने उल्लेख के बारे में। चलते हैं 600 BC में ऋषि सुश्रुत के पास। इनको फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है। सुश्रुत संहिता में 100 से भी ज्यादा मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स का उल्लेख मिलता है जो सर्जरीज में यूज किया जाता था, जिसमें उपयंत्र इस शब्द का उल्लेख मिलता है जिसका अर्थ होता है एसेसरीज। इनमें मैग्नेटिक स्टोन्स का उल्लेख मिलता है जो सर्जरी करने में ऋषि सुश्रुत यूज करते थे। और आप लोगों में से कईयों को ये पता होगा कि ऋषि सुश्रुत उस जमाने के कोई छोटे मोटे सर्जरीज नहीं बल्कि प्लास्टिक सर्जरी जैसे कॉम्प्लेक्स सर्जरीज तक करने के लिए फेमस थे। अब तक तो आप लोगों ने अंदाजा लगा ही लिया होगा कि 3-4 हजार साल पहले मैग्नेटिज्म का मेडिकल फील्ड में यूज होना ये दर्शाता है कि भारत में मैग्नेटिज्म की समझ उससे भी कई पहले से हुई होगी। ब्रिटिश जमाने के मेंबर ऑफ नेवल आर्किटेक्ट्स एंड शिप बिल्डर्स मिस्टर J.L. रीड, इन्होंने बॉम्बे गैजेटियर में ये खुलासा किया था और डिक्लेयर किया था कि तकरीबन 5000 सालों से एंशियंट इंडियंस अपने पानी के जहाजों में एक कंपास का यूज करते थे जिसे मच्छय यंत्र कहा जाता था, जिसमें एक पानी के बॉल में पानी पर एक मछली की आकार के मैग्नेट को छोड़ दिया जाता था फ्लोट होते हुए, जिसे सेलर्स को डायरेक्शन का पता चलता था।
हमारे प्राचीन ऋषियों को हमेशा से धरती के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बहुत डिटेल्ड जानकारी थी और इसी जानकारी के चलते उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड्स और प्रॉपर्टीज का स्टडी करते हुए सारे नियम कानून बनाए हमारे घर को बनाने के लिए, हमारे स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए, हमें किस डायरेक्शन में सोना चाहिए। वास्तुशास्त्र यही कहता है। एस्ट्रोलॉजी भी कई हद तक मैग्नेटिज्म और बाकी प्लैनेटरी सिस्टम्स का हम इंसानों के बॉडी पर क्या असर होता है इसी को लेकर स्टडी के बारे में है। हमारे प्राचीन ऋषि इस पूरे ब्रह्मांड का और अलग अलग ग्रहों का हम पर क्या इफेक्ट होता है इसे भली भांति समझते थे और मैग्नेटिज्म के प्रिंसिपल को समझे बिना ये पॉसिबल नहीं था। इसीलिए मैग्नेट्स का यूज करना रोजमर्रा की जिंदगी में और ऐसे एडवांस्ड एप्लीकेशंस में ये प्राचीन भारतीयों के लिए आम बात थी। तमिलनाडु के आर्कियोलॉजिकल साइट नेडुंगुर में जो पॉट्स मिले उन पर स्पेक्ट्रोस्कोपिक और रॉक मैग्नेटिक स्टडीज करवाए गए थे और उनके रिजल्ट्स चौंका देने वाले हैं। ये पॉट्स तकरीबन 300 टू 400 बीसी के होंगे। इनमें रिसर्चर्स को ये मिला कि इन पॉट्स में यूज किए जाने वाले क्ले के कॉम्पोजिशन में सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ आयरन कंटेंट, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट के कॉम्पोजिशन मिलते हैं। याने नॉर्मल पॉड्स बनाने में तक प्राचीन भारतीय मैग्नेटाइट का यूज करते थे। दोस्तों, हर हफ्ते रविवार को मैं और इस चैनल के कुछ सब्सक्राइबर्स मिलकर भगवद गीता के श्लोकों पर समालोचना करते हैं और हर श्लोक को बहुत ही प्रैक्टिकल और लॉजिकल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। भगवद गीता के वीकली सेशंस में मेरे साथ अगर आपको जुड़ना है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन में दिए गए गूगल फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। नेचुरली नेचर में जो मैग्नेट्स मिलते हैं, जिसमें मैग्नेटाइट का कॉम्पोजिट मिलता है, ये ऐसे पत्थर होते हैं जिनमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पावर होता है और इसे लोड स्टोन्स कहा जाता है। वीडियो के शुरू में जिस ग्रीक शेफर्ड का मैंने उल्लेख किया मैग्नस, इनको भी ये लोड स्टोन ही मिला था। इस तरह के लोड स्टोन्स का कंस्ट्रक्शन में यूज करना ये वास्तुशिल्प शास्त्र में ऑलरेडी उल्लेखित है। 1025 CE में जब महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर हमला कर 50,000 से ज्यादा लोगों को मार कर सोमनाथ मंदिर को लूटा था, तब आखिर में वो ज्योतिर्लिंग को तोड़ने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही वो गर्भगृह की ओर बढ़ता है तो उसकी आंखें चौंधा जाती है। उसे दिखता है कि मंदिर का ज्योतिर्लिंग हवा में तैर रहा है, यानी लेविटेट कर रहा है। बहुत देर तक स्टडी करने के बाद उसे और उसके आदमियों को ये समझा कि बहुत एंशियंट टेक्नोलॉजी यूज करके भारत इस तरीके के मैग्नेटिक लोड स्टोन्स को यूज करता था मंदिर में रखे मूर्तियों को हवा में लेविटेट करवाने के लिए, जिसके वजह से मूर्ति जमीन और छत के बीचों बीच तैरता रहता है। गजनी ने नोटिस किया कि मंदिर के गर्भगृह में जगह जगह इस तरीके के पत्थर लगे हुए हैं और उन पत्थरों को गजनी ने जब निकलवाया तब जाके ज्योतिर्लिंग जमीन पर गिरा। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि वीडियो की शुरुआत में जिस मंदिर की बात मैं कर रहा था, जिसमें के मैग्नेट के वजह से समुद्र में चल रहे जहाजों को एक्सीडेंट्स का सामना करना पड़ता था, क्या ये वही मंदिर था? जी नहीं, हमारे एंशियंट एडवांस्ड आर्किटेक्ट्स इस तरह की गलती कभी नहीं करेंगे जिसे आम इंसानों को एक नॉर्मल शिप चलाने में इस तरह की अड़चन आए जिससे शिप का एक्सीडेंट ही हो जाए। तो चलिए समझते हैं कि एक्चुअली में क्या हुआ था। तो ये कहानी है कोणार्क के सन टेंपल का। जी हाँ, आपने सही सुना, उड़ीसा के कोणार्क मंदिर का जो आर्किटेक्चर है उसकी भव्यता के बारे में तो आप जानते ही होंगे। इस मंदिर को जब 13वीं शताब्दी में बनवाया गया तो इसकी सबसे खास बात यही थी कि इसमें रखी हुई मूर्ति मेटल से बनी हुई थी और ये हवा में फ्लोट करती थी। इस मूर्ति के नाभि में एक चमकदार मणि हुआ करता था जो सुबह के सूरज के रोशनी में बहुत तेजी से चमकता था और इस मूर्ति के लेविटेशन का कारण था इस मंदिर के रूफ में इंस्टॉल किया गया 52 मेट्रिक टन का मैग्नेटिक लोडस्टोन। इस मैग्नेटिक लोडस्टोन को आर्किटेक्ट्स ने कुछ इस तरह से रखवाया था कि इतनी तेज चुंबकीय शक्ति इसमें होते हुए भी ये आम जनता को कोई परेशानी नहीं करता था और सिर्फ उस हैवी मेटल के मूर्ति को वो हवा में लेविटेट करने के काम आता था। इस मंदिर को जब बंगाल के सुलेमान खान कर्रानी ने 1508 CE में डिस्ट्रॉय किया, तब इस मंदिर के छत पर इंस्टॉल्ड 52 मेट्रिक टन के मैग्नेटिक पत्थर को निकाला गया और इसे निकालते वक्त ये पत्थर टूट गया और इसमें दरारें आ गई। लोकल लोगों ने बाद में जैसे तैसे इस टूटे हुए पत्थर को फिर से मंदिर के छत पर इंस्टॉल तो करवा दिया, पर अब ये पत्थर टूटे हुए होने के कारण इसकी जो कंट्रोल्ड शक्ति थी वो अब अनकंट्रोलेबल हो गई।
तो इसके वजह से वो अब समुद्र के पानी में चल रहे जहाजों को दिक्कत करने लग गई। समुद्री जहाजों के कंपास गलत डायरेक्शन बताने लग जाते हैं और जहाज अगर तट से नजदीक चल रहे होते तो उसकी कीले बाहर निकल आती थी और जहाजों के एक्सीडेंट्स हो जाते थे। कुछ कुछ जहाज रातों रात गायब हो जाती थी एक्सीडेंट्स के चलते। और पोर्चुगीज सेलर ने तो इस मंदिर को ब्लैक पगोडा नाम दे दिया था। अब दोस्तों उसके आगे क्या होता है? कोणार्क मंदिर के उस 52 मेट्रिक टन मैग्नेटिक पत्थर को कौन ले जाता है? ये कहानी किसी और दिन के लिए। अगर आपको कोणार्क मंदिर के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो अभी इसी वक्त वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर मेंशन कीजिए कि आपको ये वीडियो चाहिए। तो दोस्तों 100 बात की एक बात, भारत ना ही सिर्फ प्राचीन काल से मैग्नेटिज्म के बारे में जानता आया है बल्कि मैग्नेटिज्म को यूज करने के मामले में एक मास्टर रह चुका है पूरे विश्व में। इंटरनेट आज जो वेस्टर्न वर्ल्ड के द्वारा रूल किया जा रहा है उसमें फैलाए गए मिस इन्फॉर्मेशन के वजह से मुझे उन लोगों पर तरस आता है जो भारत के इस भव्य इतिहास के बारे में अवेयर नहीं है। आज मेरा आपसे अनुरोध है कि ऐसे वीडियोस को शेयर कीजिए और हर भारतीय को जागरूक कीजिए कि भारत ये सिर्फ एक देश नहीं था प्राचीन काल में, ये एक विश्व गुरु था और सबसे उन्नत सिविलाइजेशन था पूरे विश्व में। दोस्तों अगर आप इस चैनल के कंटेंट को पसंद करते हो और वीडियो टॉपिक्स के रिसर्च में मदद करना चाहते हो तो इस चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के बारे में जरूर सोचें। वन टाइम कंट्रीब्यूट करने के लिए हमारा UPI ID है ITW@IDBI, जहां आप किसी भी मनी ट्रांसफरिंग ऐप से ट्रांसफर कर सकते हो और इस नंबर पर आप गूगल पे भी कर सकते हो। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। वीडियो पे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग एंड जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में।